हमारा भाईचारा तो मुसलमान का बना रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। मोहब्बत के साथ मुझे बात कर लीजिए। अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यदिना हबीबिना करीमिना हबीबिना व मौलाना कमल जाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। हमारे इमाम खतीब साहब ने 2 मिनट की मुझे इजाजत दिया है। आज का ये जो जलसा है ये कोई आम जलसा नहीं, ये हुसैन का जलसा है। मुसलमानों मदीने वालों याद रख लेना, मैदान कर्बला के अंदर 7 तारीख को जब पानी बंद हुआ और 10 तारीख को इमाम हुसैन को मारे, हम चंद मिनट के क्या खड़े होंगे सरकारी महान अल्लाह। और मेरी दूसरी बात तमाम अजाज से गुजारिश है, लोग कहते हैं ना जी जान जान बच्चा है सब कुछ लूट जाए, और ये जान का ये जिंदगी चाहिए सब कुछ और हो जाएगा, मगर मैदान कर्बला के अंदर सब कुछ लुटा दिया उसके बाद इस्लाम जिंदा हुआ सुभान अल्लाह। और लास्ट बात में 2 मिनट है, मैदान कर्बला के अंदर इमाम हुसैन ने सब कुछ लुटाने के बाद, मिनट वालों याद रख लेना, कर्बला के अंदर इमाम हुसैन ने सबको कुर्बान किया, उसके बाद कहा सूफियों मैं उस रसूल का नवासा हूँ जो माफ करने वाले हैं, क्योंकि अगर तुम अपने हक की तरफ आ जाओगे तो हशर का मैदान होगा, मैं रब से कहूंगा अल्लाह मैं रब से तुम्हें बख्शवा दूंगा। अल्लाह परवरदिगार ये अली असगर कातिल कातिल मोमिन है, ये अली असगर कातिल मोमिन है, क्योंकि तेरे सब कुछ कुर्बान किया, सब कुछ तुमने मेरा ले लिया, माफ कर दूंगा, आ जाओ हक की तरफ, मगर जिस दिन जिस वक्त आपकी तलवार मेरी गर्दन तक पहुंच जाएगी उसके बाद तो मोमिना नहीं कराओगे। अल्लाह ताला हमें हुसैन की मोहब्बत का बताए और ईमान लाए। हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार है, सबके लिए इतने खुशकिस्मत है मुसलमानों हम और आप। हजरत की रहबरी में हम जामा मस्जिद से निकले हैं और शरीफ ऊंचा से होते हुए हम इस जगह पर पहुंचे हैं। कसम खुदा की मैदान कयामत सजा होगा, अमीना का लाज खड़ा होगा, उधर अबू बकर भी होंगे, अबू बकर के साथ उमर फारूक की आजम भी है, अली मुर्तजा सारे सहाबाए किराम मौजूद होंगे। उस वक्त अमल से लेकर आखिर तक जब हम मैदान कयामत में आएंगे सैयद शबाब अहल जन्ना इमाम हुसैन की वसात पाक है, तब मुझे और आपको अपने साथ लेकर जन्नत में जाएगी। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। वक्त बड़ा मुख्तसर है, वक्त बड़ा मुख्तसर है, ये वो हुसैन है, उस हुसैन को मेरे परिवार वाले सलाम ने अपने एक पाजो पर उठाया और अपने बेटे इब्राहिम को अपने एक पाजो पर उठाया और दोनों को लेकर के मेरे कमली वाले आका तशरीफ ले जा रहे हैं। इतने में सामने से इब्राहिम अमीन हाजिर होते हैं और हाजिर होकर के कहते हैं और मोहम्मद अरबी आपको कासम चाहिए या हसन चाहिए, इन दोनों में से आपके पास एक ही रहेगा, आप पसंद कर रहे हैं आपको कौन चाहिए। अल्लाह अकबर। इतने में मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मुझे मेरा हुसैन चाहिए, क्योंकि अगर हुसैन दुनिया से चला गया अली असगर को हुसैन दुनिया से चला गया अली परेशान होंगे, फातिमा परेशान होगी, मैं ये नहीं चाहता कि वो परेशान हो। इब्राहिम चला गया मुझ मोहम्मद के दिल पर सारा गम होगा, मैं इस चीज को बर्दाश्त कर लूंगा। वो हुसैन मैदान कारसरत में चढ़ उतरा और सारी मीन ने पुकार प्यासा शहीद किया। मैं आखिरी शेर कह के रुख से जाता हूँ, किसी शायर ने कहा था कि दो फूल रहने दो, वो
अहमद के चमन में मेरे नबी की हदीस है कि ये दोनों मेरे फूल हैं, दो फूल रखने दो जो अहमद के चमन में यू फातिमा जहरा को रुलाता है कफन में। अस्सलाम वालेकुम।